कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, जो समूह की महिलाएं हैं वो लखपति दीदी कैसे बने, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। ड्रोन पायलट योजना, महिलाओं को ड्रोन भी अभी मिलने वाला है, जो कि उसको भी किसानों के खेत में दवा का छिड़काव, खाद का छिड़काव जो आने वाले समय में होना है वो भी महिलाओं के लिए सरकार करने जा रही है। और आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जो सिद्धांत था जाति प्रथा समाप्त करने का, छुआछूत को समाप्त करने का, जो उनका मूल मंत्र था, आज मोदी जी ने कहा। आज तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जो जाति जनगणना की बात करते हैं, तो एक तरह से जो जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो समाज में जात बिरादरी की बात कर रहा है, वो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सिद्धांत है, जो उनका मूल सिद्धांत था, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में सिर्फ चार जातियां हैं, पहली जात गरीब, दूसरी जात युवा, तीसरी जात महिला और चौथी जात किसान, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। गरीब है, अगर वो किसी भी जाति का गरीब है तो उसका विकास होना चाहिए। युवा है, किसी भी जाति बिरादरी का युवा है, नौजवान है, उसे रोजगार मिलना चाहिए, उसे नौकरी मिलना चाहिए। अगर महिला है, वो किसी भी जाति बिरादरी का, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, महिला है उसका सम्मान होना चाहिए, उसे आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार कर रही है। और किसान, चाहे किसी भी जात का किसान हो, हमारे देश में 70% आबादी किसानों की है और किसान के लिए सरकार आज तमाम प्रयास कर रही है। तो मोदी जी ने कहा सिर्फ यही चार जातियों का विकास जब हो जाएगा तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। और आज जिस दिन इस चार जातियों का विकास हुआ, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनके सपनों का जो भारत है, उसे बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस अवसर पर मैं इतना चाहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आप सभी जो काफी देर से आप इकट्ठा है, आप सभी का आदर अभिवादन व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।